हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 की हिंदी का दूसरा पाठ, फसलों का त्यौहार। ठीक है, आपको पता ही है हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, और बहुत सारे त्यौहार ऐसे हैं जो फसलों के लिए मनाए जाते हैं। जैसे कि फसल पक जाती है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं उसे। ठीक है, जब फसल पके के कट जाती है तब लोग उसे मनाते हैं। तो ये कुछ ऐसे सेलिब्रेशन है, ऐसे त्यौहार है जो हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। तो वैसा ही कुछ इस पाठ में दिया गया है, अब इसे हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से सुनना है और अच्छे से उस शब्द को देखना है। इसके बाद इसे घर पे पढ़ने की कोशिश करें। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। हाथ तापने का मतलब होता है आग से हाथ सेकना। ओके, कहाँ तो खिचड़ी कैसे में धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है, आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, आज ई लोग के उठे के नइके का, बोल जल्दी तैयार होकस, अब तो उठने में ही भलाई है। देखो, इसमें बताया गया है कि जो सर्दियों का मौसम होता है तो उसमें बोला बताया गया है कि अभी धूप की गर्माहट शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। मतलब पूरे 10 दिन हो गए और सूरज अभी तक नहीं निकला, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड के दिन हैं। तो उसके बारे में बताया गया है कि बाहर देखने से समय का बिल्कुल भी अंदाज़ा का अर्थ होता है पता लगाना। तो बाहर देखने पर बिल्कुल भी समय का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि कितना टाइम हुआ है, क्योंकि सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन घर में चहल पहल, किसी के हाँक लगाने की आवाज़, ये सब कुछ आ रही थी, और ये कुछ वहाँ की स्थानीय भाषा में कुछ दिया हुआ है। अगला देखें। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए, दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। ठीक है, नहा धोकर सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए, और वो बताता है कि दादा और चाचा ने एक मस्त चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड हम पहले कबोना देख निसारा देह कनकना देता, पापा ने कहा शायद आज धोती में इन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी, आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। अक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुलके बाल, और गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता है, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। देखो, इसमें यहाँ बताया गया है कि त्यौहार वाले दिन जो फसलों का त्यौहार मनाया जाता है, उस दिन के बारे में बच्चे बता रहे हैं कि नहा धोकर सभी एक कमरे में इकट्ठा हो गए,
ठीक है। और दादा दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मान लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ, मतलब उस दिन क्योंकि वो त्यौहार वाला दिन था तो दादा और चाचा ने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे थे। खिचड़ी में ऐसन ठाड हम पहले कबो ना देख, नी सारा देह कनकना देता, मतलब खिचड़ी पे उसने पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा था। पापा ने कहा शायद आज धोती में इन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए उनकी दादी बैठी हुई थी, जिन्होंने बाल धोए थे और उसके सफ़ेद सुई जैसे हल्के फुल्के जो बाल थे उनमें गौर से देखने पर भी एक भी काला बाल नज़र नहीं आ रहा था। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे, और दादी के सामने केले के पत्ते कुछ कतार में रखे हुए थे जिस पर तिल मीठा, मीठा मतलब होता है गुड़, ठीक है, वो रखा हुआ था। चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए थे, ठीक है, वहाँ पे तिल मीठा चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए थे, किसमें, केले के कुछ पत्तों में चावल आदि के ढेर पड़े हुए थे। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया, और बारी बारी से हमें उन सभी चीज़ों को जो अनाज वहाँ पे रखा था उनको छूने और उनको प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया, और जब सभी ने उनको प्रणाम किए कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके उनको दान में दे दिया। आज तो अप्पी दीदियाँ बुरी फंसी, उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइश नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है न यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते, वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो पर है ये खुशियों का त्यौहार। इस त्यौहार के बारे में बताया गया है क्योंकि इसमें विशेषतः खिचड़ी बनाई जाती है, तो वो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए बताता है कि हमारे स्कूल में जो खिचड़ी बनाई जाती थी वो कैसे बनाई जाती थी, हम कैसे मस्ती करते थे और खाते थे, ठीक है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। देखो अब यहाँ पे त्यौहार पे बताया गया कि जनवरी माह में ही ये सारे फसलों से संबंधित त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है जनवरी माह में फसलें पककर तैयार हो जाती है, और जब जनवरी माह में फसलें पककर तैयार हो जाती है तब सारे किसान बहुत खुश होते हैं और उन त्यौहारों को मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पूरे भारत में जो फसलों वाले त्यौहार मनाए जाते हैं सभी प्रांतों के अनुसार, राज्य के अनुसार, उनके रहन सहन रीति रिवाजों के अनुसार अलग अलग मनाया जाता है, और वहाँ सभी को अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं, ठीक है। इस दिन क्या करते हैं लोग, अच्छी पैदावार की उम्मीद करते हैं और फसलों को घर आने की खुशी का इजहार
करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो जितने भी उत्तरी राज्य हैं भारत के, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, इन सब में जो त्यौहार मनाया जाता है फसल पकने पे, उसका नाम है मकर संक्रांति, या इसे तिल संक्रांति भी बोला जाता है। इसमें तिल से बनी हुई, तिल और गुड़ से बनी हुई पकवानों को खाया जाता है। असम में बिहू, और असम में आपको पता ही है, असम में बिहू मनाया जाता है। केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार है। ये त्यौहार आपको याद रखने हैं। एक बार और वापस देखते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति मनाई जाती है, असम में बिहू मनाया जाता है, केरल में ओणम मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है, झारखंड में सरहुल मनाया जाता है, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े हुए त्यौहार है। ये सभी किससे जुड़े हुए त्यौहार है? ये खेती और फसलों से जुड़े हुए त्यौहार है। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाया जाता है, किसी जगह जनवरी में, किसी जगह फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मतलब जनवरी से मध्य अप्रैल, मतलब अप्रैल के बीच तक मनाया जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग इनका समय होता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है, 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। जो झारखंड में क्या मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है सरहुल, और इसे बड़े जोशों खरोश से मनाया जाता है, और ये कितने दिन तक जश्न चलता है, 4 दिन तक, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ, ये 4 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती है, और अलग अलग जनजातियाँ हैं, अलग अलग जनजातियों के लोग हैं वो इसे अलग अलग मनाते हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। जो सरहुल है, सरहुल के दिन विशेष तौर पर क्या किया जाता है, साल का जो पेड़ होता है उसकी पूजा की जाती है, ठीक है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं, और इसी समय पे साल के पेड़ों पे फूल आते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। चलो आगे पढ़ते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। चंदे में क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों से सरई का फूल पहनते हैं। सरई एक पौधा है जिसका फूल वो क्या अपने कानों में पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है, और इस दिन से ही, जिस दिन ये त्यौहार मनाया जाता है, इसी दिन से वसंत ऋतु, वसंत ऋतु आप जानते हो ना, तो वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। इसी दिन से वसंत ऋतु स्टार्ट हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, और इसी दिन जो धान होता है उसकी भी पूजा की जाती है, और जिस धान की पूजा की जाती है उसे अगली फसल में बोने के लिए रखा जाता है, ओके, या बोया जाता है। ये हो गया झारखंड में मनाया जाने वाला सरहुल, ठीक है। Thank you.
झारखंड में मनाया जाने वाला सरहुल त्यौहार है, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में फसलों का त्यौहार कौन सा होता है? तो तमिलनाडु में मकर संक्रांति, मकर संक्रांति आप जानते हो, मकर संक्रांति भी फसलों का त्यौहार है और इसको ही तमिलनाडु में पोंगल बोला जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। जब खरीफ की फसलें चावल अरहर आदि जो भी फसलें हैं वो कटकर उन्हें काट ली जाती है और घर पे पहुंच जाती है, तो उसी की खुशी के लिए, उसी की खुशी मनाने के लिए त्यौहार मनाया जाता है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं और लोग जो नया धान घर पे आया है उसको कूटकर उसके चावल बनाते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुँह के चारों ओर बांध देते हैं। क्या करते हैं, घर में नया मटका लेके आते हैं, उसमें चावल दूध और गुड़ यह डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। और क्योंकि हल्दी शुभ मानी जाती है, ठीक है, हल्दी जानते हो ना, तो हल्दी शुभ मानी जाती है इसलिए क्या करते हैं वो लोग, उसके मटके के मुँह पे हल्दी बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगल 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 खिचड़ी में उफान आ गया। पोंगल पोंगल का मतलब होता है खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। बच्चों आपने भी कभी मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाए होंगे आकाश में, ठीक है, तो गुजरात में पतंगों के बिना ये मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो नहीं मनाया जाता है। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म जाति या आयु का हो पतंग उड़ाता है, हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। आगे देखते हैं, कुमाऊं में मकर संक्रांति को गुगुतिया भी कहते हैं। जो कुमाऊं है वहां पे मकर संक्रांति को क्या बोलते हैं, गुगुतिया भी बोलते हैं, गुगुतिया भी बोलते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं जैसे डमरू, तलवार, दांडियम का फूल आदि, ठीक है। यह पकवानों को अलग अलग तरह से बनाया जाता है और पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं, उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, ठीक है। जो माला बनाई है पकवान की उससे पकवान तोड़ तोड़ कर वो क्या करते हैं, पक्षियों को खिलाते हैं। और साथ साथ में ये उनका जो स्थानीय भाषा में कोई गाना है ये भी गाते हैं। कौआ आओ गुगुत आओ, कौआ आओ गुगुत आओ, ले कौआ बड़ो मैं कई दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी मैं कई दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह भी मांगते हैं, ठीक है, ये खिलाते हैं और ये जो गाना है ये गाते हैं और उसके साथ साथ में वो क्या करते हैं, जो चीज़ जो उनकी कामना होती है, जो मनोकामना होती है वो भी उनसे मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के, बहुत सारे अलग अलग अंदाज है। मकर संक्रांति को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कई लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है, लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि
इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। आपने भी देखा होगा, आपके घर में अगर मकर संक्रांति मनाई जाती है तो वहाँ पे मकर संक्रांति के दिन तिल से बनी हुई चीजें, तिल से बने हुए पकवान हम अधिकतर खाते हैं। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो या मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। ठीक है, आप इस पे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, आप जहाँ पे भी रहते हो वह किसी और के साथ इससे संबंधित बात कर सकते हो कि फसलों के लिए कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, या दूसरे त्यौहार जो किन किन चीज़ों के लिए मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, इनके लिए आपको डिस्कस या बातें करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।